हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं जी। असाइनमेंट नंबर 1.1 से लेकर 1.4 तक। पिछली वीडियो में हमने देखा था जी बुक एग्जांपल्स को, तो उम्मीद है कि वो आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी जी और इन्जॉय भी आपने किया होगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ जी, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। अब उस तरह के असाइनमेंट्स नहीं है जिस तरह हम यूनिवर्सिटी लेवल पर सॉल्व करते हैं जी, पावर सिस्टम ऑपरेशन के असाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल एग्जांपल्स है जी। अच्छा, तो एग्जांपल नंबर वन, असाइनमेंट नंबर 1.1 जो है, तो ये आपको कह रहा है जी, बुक के पेज नंबर 6 पर है ये, और आपसे क्या कह रहा है जी, तो सुने। अ पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर, तो रेडियस लिख के आर इज इक्वल टू 0.9 मीटर, इज यूज टू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द वेल। If it took 3.6 rotations for the pulley to take water out of the well, तो rotations का मतलब आपको angle given है, so theta is equal to 3.6, और 3.6 rotations का मतलब है एक rotation is 2 pi radians, so 3.6 rotations would be what? So 3.6 rotations would be 3.6 multiplied by 2 pi radians, ठीक है जी। तो इससे क्या आएगा, जो भी आता है अभी मैं आपको बताता हूं। सो दिस वुड बी दिस मच ऑफ अ रेडियंस, कैलकुलेट हाउ डीप इज द वेल। तो इसका मतलब है कि हाउ डीप इज द वेल, तो आपके पास फॉर्मूला है विच इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, एस आपने फाइंड करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है। हाउ डीप इज द वेल, इसका मतलब वो पाथ लेंथ आपसे पूछ रहा है, द लेंथ इन मीटर्स। एस का यूनिट क्या होता है, मीटर्स होता है, तो आपसे एस इधर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो जरा जब मल्टीप्लाई करें किस चीज को, 3.6 को मल्टीप्लाई करें 2 पाई के साथ, तो आपको आएगा 22.61। और अब इसी 22.61 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 0.9 मीटर्स के साथ, तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी क्या चीज, वो जो वेल कितना डीप है, 20.3 मीटर्स है, 20 मीटर्स में इसको लिख लेता हूं जी, ठीक हो गया जी। ये आपका सिंपल असाइनमेंट था 1.1 जो आपकी बुक में है, ठीक है जी। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1.2, अ फिजिसिस्ट कैलकुलेटेड द वॉल विड्थ ऑफ अ हाफ ब्रिक थिकनेस। The brick is laid in flat position lengthwise and is called stretcher position as, तो आपका जो लेंथ है वो आया, लेट से मैं इसको लिखता हूं L1, सो दिस इज इक्वल टू 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये आपका लेंथ आया इन दी स्ट्रेचर पोजीशन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये। एंड वन ब्रिक थिकनेस, द ब्रिक इज प्लेस्ड इन फ्लैट पोजीशन लेंथ वाइज ऑर्थोगोनल टू द वॉल हेडर पोजीशन, और ये लेंथ आया जी L2, लेट से मैं इसको नाम देता हूं, और ये आया 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स। ये आपका स्ट्रेचर पोजीशन में आया और ये आपका हेडर पोजीशन में है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन विड्थ ऑफ द वॉल्स विद अनसर्टेनिटी इन इट, सो द डिफरेंस इज अननोन विद द अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले जी, आपने दीवार जब बनाते हैं जी, तो आपने देखा होगा क्या कहते हैं उसको, गिलकार कहते हैं जी पश्तो में, तो पता नहीं उर्दू में जो भी कहते हैं, तो किस तरह लगाते हैं, इस तरह अगर ब्रिक रखे, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेचर पोजीशन, ठीक है जी। आपने देखा होगा इस तरह दो ब्रिक्स लगते हैं, पर उसके ऊपर वाला जो रो होता है जिसको पश्तो में रदा बोलते हैं, तो एक इस तरह होता है, दो ब्रिक्स होते हैं उसके ऊपर, फिर इस तरह वाला रो होता है जी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द हेडर पोजीशन। समझ आई। तो ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है इसका, अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये दो ब्रिक्स है, तो ये एक पड़ा हुआ है जी लेंथ ऑफ द वॉल, ये आपको गिवन है इन द स्ट्रेचर पोजीशन, इस तरह स्ट्रेचर पोजीशन में है, और ये दूसरा जो है ये इस तरह
हेडर पोजीशन में, हेडर, ठीक है ना। तो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस देके डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसको निकाले तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये डिफरेंस क्या है, दिस इज L2, दिस इज L1, द डिफरेंस मेजर्ड फ्रॉम दिस वेरी स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी L2 माइनस L1, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। सो द डिफरेंस वुड बी इक्वल टू, लेट्स से डिफरेंस को मैं डी कहता हूं, L2 माइनस L1 होगा, 23.6 है, 13.6 है, 10 सेंटीमीटर्स। और जो इसमें अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, तो आपने पढ़ा है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, फिजिकल क्वांटिटीज को चाहे आप ऐड करें चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें, द अनसर्टेनिटीज वुड बी ऑलवेज एडेड। सो 0.1 प्लस 0.1 इज 0.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो डिफरेंस है आपके पास, द आंसर इज 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स। बुक में देखे बिल्कुल इसकी यही आंसर है जी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.3, एग्जाम्पल नंबर 1.3 क्या कहता है जी, सुने, असाइनमेंट नंबर 1.3, द वोल्टेज वी इज मेजर्ड एज व्हाट, 7.3 वोल्ट्स, वोल्टेज आपको गिवन है जी इज 7.3 वोल्ट्स प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। अब देखिए ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन, इसमें मैं दो मरतबा यूनिट्स लिख रहा हूं, यूनिट फिजिकल क्वालिटी के साथ भी और उसके अनसर्टेनिटी के साथ भी, जबकि अगर मैं पेरेंथेसिस इस्तेमाल करता हूं तो मुझे अलग अलग के बजाय एक ही यूनिट लिखना पड़ता है। करंट आपको गिवन है, द करंट इज मेजर्ड एज, करंट इज मेजर्ड एज 2.73 एम्पेयर्स प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर्स। Find what? The resistance. The using Ohm's law. So resistance unknown है जी, और Ohm's law भी आपको पता है, आपने सुना होगा, although इधर लिख का भी हुआ है। Ohm's law कहता है V is equal to IR. तो इधर से अगर मुझे R find करना है तो मैं I को divide करूँगा by both sides. So R is equal to V upon I. तो करें इधर, तो R is equal to V की value क्या है, 7.3 है, I की वैल्यू क्या है, 2.73 है। जरा बताएं मुझे कि 7.3 को आप डिवाइड करें 2.73 पर, तो आता है जी 2.67 ओम्स। और प्लस माइनस जो डेल्टा आर है, अब वो आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी है वो किस तरह फाइंड करेंगे, तो देखें इधर आपका अप्लाई होगा कोशेंट रूल। तो अगर प्रोडक्ट हो या कोशेंट हो तो आपने क्या करना होगा जी, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होंगी उनको आपने ऐड करना होगा। तो सबसे पहले आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे वोल्टेज में, ये नोटेशन होता है, ठीक है। तो वो होगा जी 0.1 अपॉन 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 100%, जो कि आता है, जरा करें जनाब अली, 0.1 अपॉन 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो दिस इज 1.36 है, 1.37 है, जो भी है 1.3, लेट्स से मैं कहता हूं परसेंट है। फिर आप मालूम करेंगे करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो कि होगी द अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड 100%। तो अब ये करेंगे जी 0.05 डिवाइड बाय 2.73 मल्टीप्लाइड विद 100%, सो दिस इज 1.8%। तो इसका मतलब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी रेजिस्टेंस में, वो होगी इन दोनों का एडिशन, 1.3 प्लस 1.8, सो ये होगी जी 3.1%। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3.1%, या अगर आप इसको वापस उधर लिखना चाहते हैं तो देखिए आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, द अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू। तो इधर से अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं आप, इधर से अगर मैं फाइंड करता हूँ डेल्टा ऑफ आर, सो दिस वुड बी इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी विच इज 3.1 अपॉन 100, परसेंटेज के लिए 1/100 मल्टीप्लाइड बाई द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 2.67।
तो करें जरा 3.1 डिवाइड बाय 100 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी 2.67 के साथ 0.08. तो इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं और आप रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख सकते हैं 2.67 प्लस माइनस 0.08 ओम्स. बुक में आपको इसके आंसर्स गिवन है, बिल्कुल सही है. 2.67 को इन्होंने राउंड ऑफ किया 2.7 पर, राउंडिंग ऑफ शायद आपकी बुक में है, हम पढ़ेंगे. 1.4 नंबर असाइनमेंट है जी. 1.4 क्या कहता है, तो चले सुने. द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स. तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये एक स्फीयर है और उसके बाद लिखे कि उसका रेडियस जो है वो आपको गिवन है. तो बेसिकली ये r प्लस डेल्टा r गिवन होता है, समझे. r प्लस डेल्टा r आपको गिवन है, रेडियस 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर है, बिल्कुल है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो अननोन है. आपको वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो मालूम करे जी, पुटिंग वैल्यूज करे 4/3 पाई की जगह 3.14 भी लिख सकते हैं और आर क्यूब, सो 2.25 का क्यूब. तो करे जरा जो भी जिस तरह भी करते हैं करे. अच्छा 4/3 मल्टीप्लाइड विद पाई multiplied with r is 2.25 and this would be 2.25 ka cube, right? Yes. So this is 47.7. 47.7 plus minus delta v kya hoga? To wo abhi unknown hai. So dekhe, is par again power rule apply hoga aur power rule kya kehta hai ki jis cheez ke upar power hai to wo power us physical quantity ke percentage uncertainty ke sath multiply kare. Iska matlab hai ki volume mein jo percentage uncertainty hogi, percentage uncertainty in volume wo hogi 3 times the percentage uncertainty in the radius. ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया. जिसका मतलब है कि आप सबसे पहले फाइंड करें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस और वो होगी 0.01 अपॉन 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो इसको अगर मैं डेसिमल को ख़त्म करता हूँ तो इधर मैं 1 लगाता हूँ, फिर 0 0 तो 100 100 के साथ कैंसिल. 1 को डिवाइड करें 2.25 पर, 1 को डिवाइड करें 2.25 पर, तो ये 0.4% आएगी. 0.4%. अब 3 टाइम्स 0.4% करें तो ये आपकी वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी. तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये 1.33% आ जाएगी. तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो होगा 47.7 प्लस माइनस, या ये मीटर क्यूब आ जाएगा या सेंटीमीटर क्यूब जो भी है, प्लस माइनस 1.33%. और 47.7 प्लस माइनस, अगर आप इसको वापस चेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी जो होगी वो होगी दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड विद द मेजर्ड वैल्यू विच इज 47.7. तो करें जरा क्या आता है जी, इसको डिवाइड करें 100 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करें 47.7 के साथ, 0.636 आता है. मैं इसको 0.6 लिखता हूँ तो प्लस माइनस 0.6 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. आपके बुक में इसका आंसर मेंशन है 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बिल्कुल सही है. ठीक हो गया जी, हमने फाइंड आउट कर लिया. इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप कि आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हमारा टॉपिक क्या होता है. मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट फिगर्स है जी, तो देखेंगे जी जो भी हुआ, साथ मिलकर पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे जी. ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.